बढ़ती गर्मी के बीच लगातार गिर रहे जलस्तर पर अब उधम सिंह नगर जिले के डीएम सख्त कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि जनपद में बेमौसमी धान की खेती के कारण गिर रहे जलस्तर को चिंताजनक बताते हुए डीएम ने बिन मौसम धान की खेती करने पर रोक लगा दी है। डीएम ने अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के अधिकांश किसानों द्वारा खेती से अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए ग्रीष्मकालीन धान की खेती को अपनाया जा रहा है, जो कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से अत्यंत हानिकारक है। साथ ही ग्रीष्मकालीन धान की खेती करने से भूमिगत जल का हस्त भी तेजी से हो रहा है, जिसके चलते गर्मियों के महीनों में पेयजल की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके तहत ही डीएम उदयराज सिंह ने जनपद के सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि अपनी अपनी तहसील क्षेत्र में गर्मियों में धान की खेती को रोकने के लिए कृषकों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि आगामी वर्ष में ग्रीष्मकालीन धान की खेती को पूर्णतया प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जा सके। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये जो बेमौसमी धान है, ये अप्रैल से लेकर के 15 जून तक लोग लगाते हैं ज्यादातर, और इस विषय में सरकार भी गंभीर है, चिंतित है। पूरा कृषि विभाग इसके लिए लगा हुआ है। हम लोगों ने इसमें 3 बैठकें जनपद स्तर पर किया, किसान प्रतिनिधियों को बुलाया, संगठनों को भी बुलाया कि इसके जो विकल्प हैं, आप गर्मी वाला धान मत लगाइए, इससे एक तो जो वाटर कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ जाता है, साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो हम लोगों ने कोशिश यही किया है कि लोगों को मोटिवेट करें। अभी कल ही मैंने एक आदेश भी जारी किया है कि अभी जो लोग धान नहीं लगाए हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि उड़द, मक्का या गन्ने की फसल पैदा करें।